गए क्या, इतना बड़ा हो गया? डायमेट्री को डालो यहाँ पे। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज व्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सभी? सुबह सुबह मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल। आज तो मैं जाकर ही रहूँगी, ऐसे पकड़ती हूँ तो बहुत सारे निकलते हैं। देखो अभी भी निकल गया है। कल मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि परसों जो है मैं भीग के बीमार हो गई थी, फीवर आ गया था। आजकल क्या हो रहा है, डेली दिन के टाइम में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है और शाम के टाइम आ जाती है बारिश। बारिश की वजह से थोड़ा सा हम भी भीग गए, उसकी वजह से आ गया मुझे फीवर। कल दिन तक मैं ठीक हो गई थी, आज तो मैं काफ़ी फ्रेश हूँ। एक ही फीवर में भाई पूरा हिल गई थी, मतलब शरीर जर्जर सा हो जाता है, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अभी मैं तैयार होके जा रही हूँ रामपुर हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैंने जितने भी घरेलू नुस्खे होते हैं, जितने भी टोने टोटके होते हैं, सब कर दिए। लाइक अनियन का जूस लगा दिया, लहसुन घिस के लगा दिया, अदरक प्याज पूरा तड़का लगा डाला बालों में, बट इनका हेयर फॉल, इनका गिरना बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। तो कल मैंने, मेरी एक भाभी होती हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, उनसे मैंने फ़ोन पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि स्किन स्पेशलिस्ट है, ये देखिए कितना कम कम हो रहे हैं बाल, मतलब स्कैल्प अच्छे से नज़र आने लगा है। अब भी ये भाई अब नहीं बर्दाश्त होता। पहले मुझे लगा शायद घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाएगा, मेडिसिन शायद नहीं पड़ेगी ज़रूरत मुझे, बट अब तो मैं जा ही रही हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, साथ में है संदीपा, अभी वो तैयार हो रहे हैं फिर हम निकलेंगे। हर्षित गया स्कूल, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। हर्षित के आने से तो मैं बहुत पहले आ जाऊँगी, मतलब एक घंटे का काम है, ज़्यादा तो काम कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल जाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा मार्केट में एक दो चीज़ें भी लानी है मुझे, जैसे कि हर्षित का फेवरेट लाइक जैम, एक दो चीज़ें जो यहाँ पे नहीं मिलती हैं लाइक मार्केट में। जैम तो मिल जाता है वैसे, पाइन एप्पल उसका फेवरेट जैम है, वो यहाँ नहीं मिलेगा, पूरा मार्केट में ही मिलेगा। तो अभी समय की अगर बात करूँ तो 10 बज रहे हैं, तो निकलेंगे अब हम थोड़ी देर में। मौसम की बात करें तो गर्म है, मतलब दिन के टाइम इतनी तेज़ धूप होती है, अभी भी बहुत गर्म वेदर है, देखिए कड़क सी धूप है। और मॉर्निंग के मैंने सारे काम निपटा दिए हैं, लाइक झाड़ू पोछा। आज तो मैंने लंच भी बना दिया है, वरना क्या होता है कि मैं ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ, लंच मैं नहीं बनाती। लंच बनाती हूँ मैं 1-2 बजे के बाद, और तब तक ढीलापन आ जाता है, सुस्ती पड़ जाती है, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर कुछ भी खाने लग जाते हैं। आज मैंने कढ़ी बना रखी है और सुबह मैंने बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, हर्षित को भी मैंने बीन्स ही दी है। तो ये ले लिया मैंने पर्स, ये ले लिया मैंने स्कार्फ, लाइट को कर देते हैं बंद, फैन को भी बंद कर देते हैं। ओहो अब तुम्हें एक बात बताना भूल गई, ये देखो मैंने ना सारे जितने भी मेरे घर के कॉम हैं, ये देखिए कॉम है, हेयर ब्रश है, सब मैंने डिटॉल में डाल दिए हैं, सोक कर रखे हैं डिटॉल के अंदर, डिटॉल वाले पानी में, कि कहीं कोई जर्म्स की वजह से तो नहीं हो रहा है ये। और एक मेरी फ्रेंड है शिल्पा नाम है उनका, उन्होंने भी मुझे रेकमेंड किया था कुछ कि ये मत करो, मेडिसिन वगैरह रेकमेंड की थी। दिन की अगर बात करूँ तो आज फ्राइडे है, डेट है 13, और आज है हर्षित का ड्राइंग कंपटीशन, कल से उसकी 3 दिन छुट्टी है ऐसा वो कह रहा था। डोर कर देती हूँ बंद, आज हम जा रहे हैं बस से। ये देखो इस वक्त कितनी कड़क धूप है, जैसे ही शाम होने लग जाती है 6 बज जाते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है। कपड़े भी मैंने आज सुबह सुबह ही वॉश कर दिए, धूप में डाल दिए। चलिए चलते हैं। I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. अभी तक हम मार्केट का काम कर रहे हैं,
डॉक्टर अभी है नहीं, ज़रा डॉक्टर के आने में समय लगेगा, तब तक हम कर लेते हैं मार्केट का काम। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, यहाँ पे शूज़ लिए जा रहे हैं, ज़रा दिखा। अच्छे कंफर्टेबल हैं, सही है, यही तो रख, अच्छे हैं, थोड़े ऊंचे ऊंचे लग रहे हो आप, सही है। क्या कॉस्ट है? 6 समथिंग, सही है, अच्छे हैं। आप तो ब्राउन में कह रहे थे ना, ब्राउन में लेना है। अच्छा ये वाली फ्लावर वाली अच्छी है, नहीं बोल रही ना, इसको ऐसे लेती हूँ, अच्छी लगती है, लेकिन ये कह रही थी काटेंगे तो नहीं इसको, पता ये जो होते हैं ना संदीपा, बहुत अच्छे लगते हैं ये, मतलब सॉफ्ट होते हैं। हाय, बढ़िया। संदीपा ले रही है शूज, मैं लेती हूँ कुछ घर का सामान, टाइम बच जाएगा हमारा, फिर हम फटाफट जाएंगे हॉस्पिटल, उसके बाद जाएंगे घर। जेम 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 किधर है भैया, जेम किधर है? किसान का पाइनएप्पल फ्लेवर, ये पीछे मैंगो है ना, उसके पास में होना शायद। हाँ ये पीछे पीछे पीछे, हाँ यस यस, फोन करिए इसको। और चाहिए मुझे, क्या चाहिए, हींग 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 किधर, ये रही हींग। और तो चाहिए बड़ी है, हाँ जी माश वाली है, हाँ जी आंटी माश की है, माश वाली लग रही है मेरे को, देखो काले काले है ना, फिर पूछना पड़ेगा, पूछ लो इनको। 262 मार्केट का काम तो लगभग हो गया है, अब चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ, अब तो डॉक्टर साहब आ गए होंगे, मिल लेते हैं जरा उनसे। ये देखो कितनी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ रखी हैं आंटी ने, करते हैं ऑटो का वेट, फिर निकलते हैं घर की तरफ, लगभग सारे काम कर लिए हमने। बेटो साइड में, साइड में, धूप बहुत तेज़ है। तो जी फाइनली हम गौर से देखिए, बस से उतर चुकी हैं, ये देखिए कितनी सारी शॉपिंग की है, ये जो पीछे से आ रही है ना, नहीं इन्होंने इन्होंने किया, ये मिक्स मिक्स थैले हैं हमारे, दोनों की हैं मिक्स मिक्स थैले। घर में रूम में पहुंच के मिलती हूँ ज़रा आपसे, 2:15 बज रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं हम, अभी अभी जस्ट, बस में टाइम लग जाता है ना, बस में जो है आते आते समय लग जाता है, तो 2:10 पे अभी हम पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेडिसिन कौन कौन सी ली है मैंने, बहुत सारी मेडिसिन ली है मुझे, और फंगल इन्फेक्शन कह रही थी डॉक्टर साहिबा। ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल भी है, सबसे ज़्यादा ये देखना होता कि आपको कैसा लग रहा है, कम्फर्ट है। ये देखो ढेर सारी शॉपिंग की है इन मैडम ने, ढेर सारी शॉपिंग, ये है बच्चों के कपड़े, ये है सलूके के कपड़े, ये 3 लिए हैं आपने, ये हाँ से। अच्छा ये इसका, इसके साथ का, इसके साथ के यहाँ, अच्छा इसके साथ का भी मिला है, वो तो लेना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये वो वाने का शर्ट, वाने की शर्ट, बास्केट का कपड़ा, ओहो ये एक और है वाने का चोड़ू, धोती सलवार के साथ, ये धोती सलवार के साथ शर्ट है, और जींस भी दिखाओ, अगर अपनी जींस भी दिखाओ, ये देखो उन्होंने जींस ली है खूबसूरत सी, इधर हाँ जी, ये है मैडम जी की जींस, और वान्या के कपड़े दिखाओ फटाफट से, ये जी वान्या के कपड़े, ये है वान्या की, ये देखिए अपनी डॉटर के लिए कितनी सुंदर सी टी शर्ट, और साथ में इसकी जींस बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ऑसम है, ये देखो पैटर्न कितना खूबसूरत, बच्चों के पास ना इस तरह के पैटर्न के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। आज तो भाई इन्होंने अपने पति देव को लूट लिया, मजा आ गया आज तो, मजा आ गया और हम पता नहीं कितने सालों के बाद गए आज, है ना, सीरियसली बहुत टाइम के बाद गए, फिर भी इतना मजा नहीं आया क्योंकि गुड़िया साथ में थी तो हम ज्यादा घूम भी नहीं पाए, कुछ खाया पिया भी नहीं हमने। इसका देखना अपनी शर्ट बन रही है, हां इसका शर्ट, हां बन जाएगा, सुंदर सा शर्ट बनाना, लेस रूप लगा के जो उसके हल्दी के लिए काम आए, हल्दी फंक्शन के लिए, एक्चुअली इनके देवर जी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, ये तो आप क्या जींस पहन के जाओगे देवर की शादी में, ट्राई टू बेस्ट। चलो अब हम पियेंगे चाय,
उसके बाद मिलते हैं जरा। तो जी सबसे पहले चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं जरा आपसे, फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा सा चाय पी के। तो जी चाय वाय भी हमने पी ली है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी सारी मेडिसिन। ये तो जैम है, ये तो मैं हर्षित की पसंद का जैम लाई हूँ, और कुछ किचन का सामान है। ये देखिए दवाइयाँ, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लाई हूँ मैं, जो कि है खदीरा रिष्ट करके है ये पीने वाली। और ये कुछ ऑइंटमेंट है बालों में लगाने के लिए, ये अगेन है खाने वाले कैप्सूल्स, और ये भी कुछ पाउडर सा है जो कि ऑयल में लगा के मुझे स्कैल्प की जो मसाज करनी है, ये अगेन है एक स्प्रे। ढेर सारी मेडिसिन लेकर आ गई हूँ, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि देखने के बाद, डॉक्टर ने जब मेरे मतलब बालों को देखा ना अंदर से, कि जो फंगल इन्फेक्शन, कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एक्सेस हेयर लॉस या तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फिर इम्यून सिस्टम आपका वीक है, या हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, ये हार्मोनल इम्बेलेंस जब हो जाता ना तब। तो फिलहाल ये मेडिसिन दी हैं, 15 दिन के बाद मैं अगेन उनके पास जाऊंगी। बहुत एक्सेस हेयर लॉस हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। कहते आपने बहुत देर कर दी आने में, कहते ये देखिए इस तरफ से भी देखो कितना खाली खाली सा हो रहा है। अब मैं ये मेडिसिन खा के एक बार देख लेती हूँ अगेन सब सही हो जाए। नहीं नहीं आपकी नहीं है, मेरी मेडिसिन आप छोड़ो। तो ये रहा हर्षित, जो कि अभी अभी स्कूल से आ ही रहा है। ये आपने पेंटिंग कहाँ की है, पेंट में की है पेंटिंग? अच्छा डोंट टच माय मेडिसिन प्लीज, आपके काम की नहीं है कोई भी, इसे डस्टबिन में डाल के, ये देखो इसे, इसको डस्टबिन में डाल के, हैंड वॉश करो, कपड़े चेंज करो। आते ही देखो जैम खाने लग गया। पाइनएप्पल इसका फेवरेट फ्लेवर है, खत्म हो गया था तो मैं इसके लिए लेकर आ गई। अच्छा ड्राइंग का कंपटीशन था इनका आज, जरा बताना कैसा रहा आपका ड्राइंग का कंपटीशन? अच्छा रहा। कितना अच्छा, क्या क्या बनाया आपने? दो इंसान बना, एक माँ एक बेटा। दो इंसान बना, एक माँ एक बेटा। उसने ऐसे पकड़ रखा था अपने बच्चे को, और वो भी कहीं चल रहे थे, ऊपर में सन बनाया था, सनसेट वाला सन जो होता है उसका व्यू बनाया था, और क्या कहते हैं चिड़िया का ग्रुप बनाया, और साथ में बस खत्म। और एक स्लोगन लिख दिया, मदर इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ओके चलो जी, मैं तो खा रही हूँ खाना, आप भी आइए मेरे साथ कड़ी राइस इंजॉय करने। और हर्षित देखो यहाँ जेम खा रहा है, खा ले ये तो खोल दे वहां से, बेड पर से सारा सामान समेटो, बच्चे यूं ही पटक देते हैं सारा सामान। हमारा मोहल्ला जो है पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो सब लोग कोई अपने मामा के घर गए हैं, कोई अपनी नानी के घर गए हैं, कोई गाँव गए हैं। मैं और सौम्या हम दो ही हैं, अभी तक सौम्या बैठी थी मेरे पास चाय पीने गपशप करने, तो अब थोड़ी देर में निकलेंगे हम थोड़ा भी बाहर घूमने फिरने के लिए। क्या लेना? मैंने ना ऊपर दाने रखे थे ना जो चिड़िया के लिए, आ जाओ उनको चेक करते हैं। दाने भी वैसे की वैसे है, चिड़िया को पसंद नहीं आई लगता है मूंग दाल। ये देखो मूंग दाल भी एज इट इज है, पानी भी एज इट इज है। पानी तो चलो कल बारिश आई थी, बट मूंग दाल पसंद नहीं आई लगता है चिड़िया को। चावल भी डाले थे मैंने, बर्ड्स भी समझते हैं भाई, लगता होगा उनको कि कहीं इसमें कुछ रिस्क ना हो। और इस वक्त बहुत बढ़िया हवा चल रही है बाहर। जी 9:30 का टाइम हो रहा है, हम कर रहे हैं डिनर। आज मैंने डिनर में अगेन कुछ नहीं बनाया है, सुबह की थी बीन्स की सब्जी, और दिन में राइस एंड कड़ी थी। ये देखिए हर्षित खा रहा है कड़ी राइस, हेलो। और शाम के टाइम हम घूमने गए थे वहीं सब्जी वाले जो भैया हैं उनके पास, 2-3-4 किलो खीरा उठा के लाई हूँ मैं, फ्रेश करंची। मेरी आँखें अजीब सी हो रही है, नींद आ रही मुझे, तो पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मेडिसिन लूंगी, कुछ खाने वाली हैं कुछ लगाने वाली हैं, और उसके बाद एडिटिंग करूंगी मैं, और उसके बाद टीवी देखेंगे। आज ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली कि सोना ही है, क्योंकि कल है छुट्टी, परसों है छुट्टी, उसके बाद भी है एक दिन, एक और दिन छुट्टी। तो डिनर तो मेरा हो गया, हर्षित तो भी खा ही रहा है, तो मैं मेडिसिन खा लेती हूँ। ये खाने वाली है, मैं आपको बता देती हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन है सारी,
साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है, कर लेती हूँ ये वाला कोर्स भी पूरा, होप कि रिजल्ट अच्छा आए। छी, इस पंप को मैं इन्फेक्शन वाली जगह पे इस तरह से स्प्रे कर दूंगी और ओवरनाइट छोड़ दूंगी, और कल मैं हेयर वॉश करूंगी। हेयर वॉश करने के बाद फिर मुझे ये लगाना है, इसका मैं प्रॉपर कोर्स करने वाली हूँ जितनी भी मेडिसिन हैं, उसके बाद देखिए रिजल्ट कैसा मिलता है, फिर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए फिर, डिनर भी हो गया है, मेडिसिन भी ले ली है, लगाने वाली भी लगा दी हैं, खाने वाली भी खा ली हैं। आज का दिन बस ऐसा ही था, हॉस्पिटल गए थे, बस घर की रूटीन ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। होप आपको मेरे आज के दिन की रूटीन, मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया है, पसंद आया हो। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे। डू लाइक शेयर एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल विच इज़ बेबीज़ ब्लॉग फन एंड मस्ती। गुड बाय, टेक केयर, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।